लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. तो लेट्स सपोज हम लोग इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एज ऑलवेज. नाउ हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स. तो यहाँ पर डी एक्स डाल जाएगा, ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब एंड दिस वैल्यू विल बी हियर एज अ डिविजन वैल्यू. सो ये हो गया है हमारे पास. नाउ इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से जो है एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ से भी जो है एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे. सो एक्स क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा टू और बस टू ही रह जाएगा और ये नीचे डिवीजन में एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो ये हो गया है. नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो ये सॉरी ये नहीं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या रह जाएगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस टू एंड ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. नाउ हम लोग वही वैल्यूज को पुट कर लेंगे, वी को जो है नहीं वी को क्या पुट करेंगे वाई बाई एक्स और जो है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को क्या पुट करेंगे, उसको हम लोग पुट कर देंगे वी प्लस और साथ में डी वी बाई डी ऑफ एक्स और यहाँ पर एक्स आ जाएगा. ठीक है, सो ये वाली वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, मुझे लगता है बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे. सही है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है. तो यहाँ पर मैंने डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, ये हो जाएगा वी क्यूब माइनस टू और ये हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर. तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका काम जो है वो ख़त्म हो गया. नाउ क्या करेंगे, वी जो है यहाँ पर आ जाएगा सो ये हो जाएगा वी क्यूब माइनस टू और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी हो जाएगा. नाउ चलिए इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वी क्यूब माइनस टू एंड माइनस वी क्यूब डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर हो जाएगा. अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें सो ये और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो रह जाए, अच्छा ये माइनस ही होगा ना और ये हो जाएगा वी क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस टू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर रह जाएगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे. सो यहाँ पर ये है डी वी बाई डी ऑफ एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, डी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा, ये डी वी इधर आएगा, वी जो है वी स्क्वायर वो ऊपर आ जाएगा और ये जो है हमारे पास टू नीचे आ जाएगा. अब अगर हम लोग इस माइनस को देखें तो ये माइनस जो है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास इधर ही चला जाएगा. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास अब माइनस. ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो आंसर है विल बी इन अवर हैंड. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये वाला मैं ऊपर लिख लेती हूँ अगेन. ठीक है, सो यहाँ पर था हमारे पास माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू और ये था हमारे पास डी ऑफ वी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाय एक्स था इंटीग्रेशन में. ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन की जो हमारे पास है टू ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा. वैसे भी हम लोग इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे हमारा पावर रूल इंटीग्रेशन. सो ये वन बाई टू ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, वी की पावर में वन प्लस हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा, ये भी थ्री हो जाएगा. ठीक है, एंड इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास सी. ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, थ्री टू जार सिक्स हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा वी क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी हो जाएगा. सही है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे. वी हमने क्या लिया था, वाई बाई एक्स लिया था, तो यहाँ पर कर देंगे ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. अब यहाँ से जो है वैल्यू निकालना है बहुत आसान, तो चलिए यहाँ से मैं वैल्यू जो है वो निकाल लेती हूँ. ये जो सिक्स है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं. अब इस इक्वेशन से हम लोग जो है वैल्यूज़ जो अपना जनरल सोल्यूशन है उसको निकाल देंगे. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई क्यूब हो जाएगा इक्वल टू सिक्स एक्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा क्यूब और साथ में लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा. अब आपको पता चल गया कि जो एक्स और थ्री है वो मैंने डिवीजन था
जो भी डिवीजन में चीज़ें होती है उसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कर देते हैं, दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगर इसकी शक्ल ही देखें तो आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही जो है बड़ा क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे हमें वाई के सॉल्व की ये भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इसको सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बोल देंगे, एंड होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कॉन्टेंट पढ़ते हैं। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि हम लोग हमेशा न्यू कॉन्टेंट पढ़ते हैं इन ईजी वे, ठीक है। सो जल्दी से जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए सबसे पहले हमने डी वाई बाई डी ऑफ एक्स जो है वो फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू वट, ये हमारे पास वैल्यू तो यहाँ पर रहेगी वाई साइन y by x minus x divided by x, ये हो जाएगा हमारे पास sin of y by x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग करेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो x हम लोग क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों मैम, हमने तो पहले नहीं किया। अब ये नया क्वेश्चन है तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर y है यहाँ पर x है, हम लोग कभी भी y अकेले में नहीं लेते, हमेशा y बाई एक्स की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। और x को भी हम लोग अकेले नहीं लेते, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। सब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं ये करूँगी यहाँ पर बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो है वो x डिवाइड कर दूँगी, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है x डिवाइड कर दूँगी। सो मेरे पास जो वैल्यूज़ है वो कैसी आ जाएंगी, ये हो जाएगा y बाई एक्स, ये हो जाएगा साइन, और y बाई एक्स ऑलरेडी उसमें था, x और x से क्या आता है माइनस वन, ठीक है। x और x से क्या आएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पर dy वाई बाई डी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ हम लोग वही अपनी वैल्यूज जो है v को हम लोग y बाई एक्स ले लेंगे, और dy वाई बाई डी ऑफ एक्स को हम लोग v प्लस एक्स, और dv बाई डी ऑफ एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है मुझे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी मुझे रट्टा हो गई है, याद हो गई, और जब भी आप भी ऐसे सोल्यूशन करेंगे तो ये आपको जो है ये भी याद हो जाएंगे इतने अच्छे तरीके से कि आपको फिर आपके सिर्फ हाथ चलेंगे। वो उसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इतनी सी कीजिए कि दिमाग नहीं हाथ चले, ठीक है ना। तो हमेशा मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, इसको मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 बोल दूंगी। एंड नाउ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वी की वैल्यू उसको पुट कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स क्या है वी है साइन वी डिवाइडेड बाय साइन वी, और यहाँ पर माइनस वन मैं लिखना भूल गई, माइनस वन यहाँ पर हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये हो गया है, इसको मैं इक्वेशन 2 नहीं बोलती, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूंगी। नाउ यहाँ से क्या करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है स्टेप हो जाता है जहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी कि किस तरह से वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाता है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो इतना तो डिटेल से नहीं बताते, सिर्फ एक दफ़ा बताते, बार बार तो नहीं बताते। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बार बार बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो है आपके दिमाग में बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ वी, यहाँ पर मैंने अगेन लिख दिया इक्वेशन 2 को। अब हम लोग यहाँ से जो है वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, आपके सामने बिल्कुल करूँगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो तो यहाँ पर हम लोग देखिए सबसे पहले तो इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी साइन ऑफ वी माइनस, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस वी साइन ऑफ वी, यहाँ पर मैंने एलसीएम पूरा का पूरा ले लिया है। अब अगर हम देखें माइनस और प्लस जो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाय, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ वी, बहुत ही ज़्यादा इजी था डी वी बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ से जो है वो सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट देखें तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स बाय एक्स हो जाएगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, साइन ऑफ वी जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और डी वी और वन को अगर हम लोग नीचे भी लिखें इट डजेंट मैटर, और ये जो माइनस है ये यहाँ पर आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, हमने वेरिएबल्स को जो सेपरेट कर दिया, हम लोग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे, ठीक है। वो इंटीग्रेशन बेचारा कुछ ज़्यादा ख़राब सा हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन इस तरह से। सो इंटीग्रेशन हमारे पास ऑन बोथ साइड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन में।
इसको एक्स को दोबारा सही कर देते हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश करी कि मैं सारे मार्कर्स जो ऐसे कट ले लूँ, बहुत ही अच्छा लिखता है कट से, है ना, और जो है बोर्ड पे भी ज़्यादा जगह नहीं घेरता। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो ऐसे मार्कर्स हैं ये वाले गोल वाले, इसको मैं हटा दूँ, लेकिन अब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं जो है वो न्यू मार्कर्स को बाय करूँगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास, अच्छा इंटीग्रेशन हम लोग ले रहे हैं ना, सो यहाँ पर हमारे पास साइन पे इंटीग्रेशन है और हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, पता है ना आपको कि नहीं, भूल गए, बताया था ना स्टार्टिंग में, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉज होती है। और यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन, माइनस को हम लेंगे कॉज, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज ऑफ वी हो जाएगी। सो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। और साथ में हम लोग जो है प्लस कांस्टेंट का भी सी ले लेंगे। तो अगर हम लोग कांस्टेंट को देखें तो अगर ये हम लोग मैं यहाँ पर लूँ ना तो मेरे पास ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा, सही है ना, प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो अब ऐसा भी इस वजह से ताकि हमारी जो सोल्यूशन है वो ईजी से निकल आए, ठीक है। कैसे रिप्लेस करेंगे किस चीज़ की वैल्यू को, v की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos, ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log ऑफ x, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें सो हमने जो है वैल्यूज़ को कर लिया है, अब मेरे पास यही जो है एक जनरल सोल्यूशन आ गई है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ x इक्वल टू cos y बाई एक्स प्लस सी एंड दैट्स ऑल, मेरे पास जो है जनरल सोल्यूशन आ चुकी है। अब देखिए अगर मैं c को यहाँ पर लेती तो फिर क्या होता, ना log x की आती जनरल सोल्यूशन ना c की आती, दोनों की मिक्स आती। तो इस वजह से हमने क्या किया, log of x को ही ले लिया था कि c की हम लोग सोल्यूशन निकाल सकें। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा दिमाग, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में लगाते रहते हैं बार बार, ठीक है। सो अपने दिमाग पे जो है जंग ना लगने दीजिएगा, उसको बार बार यूज़ कीजिएगा कि हम लोग मैथ्स की सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर में उतने ही आप रिलैक्स बैठे रहेंगे और आप जल्दी जल्दी सोल्यूशंस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अगर शक्ल में देखें तो आपको ये सबसे डरावना क्वेश्चन यही लगेगा पूरे जो है चैप्टर में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखें डरावना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो लेंथी मतलब कि काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखें कॉस एक्स कॉस है, एक्स किस कॉस का एंगल वाई बाई एक्स है, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में ये y और साइन है, ठीक है, और ये साथ में मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, ये हो जाएगा x और y, ये हो जाएगा एक्स वाई कॉज ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, एंड साथ में p ऑफ x आ जाएगा, एक हो गया प्लस। अब ये वाला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारे पास cos y बाई एक्स, ठीक है, एंड ये हो जाएगा d ऑफ y। अब मैंने यहाँ से जगह छोड़ दी, मैंने गलत किया, ठीक है। तो मुझे अभी पता चल रहा है, ये देखें मैं गलत कर रही हूँ, यहाँ पे y और x क्या हो जाएगा, y और x हो जाएगा, या फिर x और ऑफ y लिखते हैं आप ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो x और y, ये हो जाएगा हमारे पास साइन y बाई एक्स। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि क्या हो, हमारे पास ये जो चीज़ें हैं एक ही लाइन में, दूसरी लाइन में आती है ना फिर कन्फ्यूजन होती है, आई डोंट वॉन्ट देट कन्फ्यूजन, ठीक है। फिर डी ऑफ y हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो जाएगा साइन y बाई एक्स एंड साथ में आ जाएगा d ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को देखना है, ठीक है। अब वो क्या है, चलिए वो देख लेते हैं, बल्कि हम ऐसा करते हैं हम लोग ईजी स्टेप लेते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, सबसे पहले हम लोग ना एक और काम करते हैं, तो चलिए वो बता देती हूँ मैं आपको। ये हो जाएगा हमारे पास x cos ऑफ, ये हो जाएगा y बाई एक्स, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, इसको हम लोग ना सॉल्व कर लेंगे किस तरह से, y है हमारे पास, ये जो d ऑफ x है यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x d ऑफ y बाई d ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग ने इस तरह से कर दिया, अब इस ब्रैकेट को भी इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा y sin ऑफ y बाई एक्स, एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास रह जाएगा x d ऑफ y, ये जो d ऑफ x से नीचे डिवीजन में आ जाएगा, एंड ये माइनस y रह जाएगा, ठीक है। अब ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन वाले से काफ़ी मुश्किल होगा, यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इस होल को इस होल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारे पास cos y बाय एक्स, ठीक है। नाउ प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, cos ये हो जाएगा y बाय एक्स,
एंड साथ में क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको हम लोग इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स और वाई क्या हो जाएगा, एक्स और वाई साइन, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है, एंड माइनस वाई और वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा वाई बाय एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें सो अच्छा ये हमारे पास इधर मैंने डी वाई बाई डी ऑफ एक्स नहीं लिखा, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, अगेन बाकी का बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो है हम लोग एक चीज़ नोट करें, ये है हमारे पास और ये है हमारे पास, तो देखिए दोनों में dy वाई बाई डी ऑफ एक्स आ रहा है, हमें क्या चाहिए होता है dy वाई बाई डी ऑफ एक्स, तो इन दोनों को हम लोग एक जगह पे रख लेंगे इक्वलिटी को और बाकी की जो वैल्यूज हैं उनको इक्वलिटी के दूसरी जगह। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो रह जाएगा, ये जो साइन वाला है ये इधर माइनस में आ जाएगा, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स, और मैंने क्या किया मैं डायरेक्ट एक स्टेप कर दूंगी कि जब मैं इधर लाऊंगी इसको तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स जो है उसको मैं कॉमन ले लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, और ये इधर से मैं क्या कर दूंगी माइनस को कॉमन ले लूंगी बिकॉज वो भी आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस को जो है वो मैं कॉमन ले लूंगी, एंड ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस वाई बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है, और मैंने वाई माइनस जो है उसको मैंने कॉमन ले लिया, और ज़रा दिखा के कॉमन ले दूँ ताकि जो है कंफर्म रहे कि हाँ हमने इसको कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि या तो इसको कॉमन ना लें, इट्स आवर ओन चॉइस, ठीक है, तो आगे जाकर हम लोग इसको खोल लेंगे, अभी मैंने फिलहाल इसको कॉमन लिया हुआ है। अब हमें डी वाई वाई डी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो ये जो सारी वैल्यू है ये यहाँ पर डिविजन में आ जाएगी, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये जो मैंने कॉमन लिया था मैं इसको बाहर निकाल दूंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय, ये जो वैल्यूज है नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई साइन, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है। अब हमने अगर देखा तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने जो अपनी वैल्यूज़ हैं वो ले ली, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अच्छा जो मैंने प्लस दिया था तो हम लोग ऐसा करते हैं कि उस प्लस को जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, तो अब कंटिन्यू करें नहीं करें इट्स योर ओन चॉइस, जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, सही है। अब यहाँ पर अगर देखें सो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स वाई को हम लोग कभी भी नहीं लेते, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर पे, ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे और क्या कर देंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ से जो है इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है तो थोड़े से जो वैल्यूज हैं उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब मैं ऊपर वाले सबसे पहले कर रही हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन वाई बाय एक्स, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर जो है वो माइनस को कॉमन ले लूँगी तो ये प्लस हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस और वाई बाई एक्स, ठीक है, ये हो गया है हमारे पास फर्स्ट टर्म। अब नीचे वाले टर्म को देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस रह जाएगा हमारे पास वाई बाई एक्स माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाई बाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एंड इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बनाएंगे आगे, इसी इक्वेशन में हम लोग आगे वी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इसको आप इक्वेशन नंबर टू बोल सकते हैं, ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे वी को हम लोग पुट करेंगे वाई बाई एक्स और डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को क्या पुट करेंगे एक्स प्लस नहीं वी प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, एंड साथ में आ जाएगा हमारे वी स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ वी प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास वी कॉस ऑफ वी, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस वी माइनस वी साइन ऑफ, ये क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें वी यहाँ पर जो है हमारे पास पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इसको भी मैं क्या करूँगी, इसको मैं एज इट इज़ रखूँगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैंने अंदर कर दिया ताकि वो बाहर कन्फ्यूजन ना फैलाए, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर साइन ऑफ वी प्लस ये हो जाएगा वी कॉस ऑफ वी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा वी साइन ऑफ वी माइनस कॉस वी और ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी, ठीक है। अब इस तरह से हमने कर दिया है ना, इसको आगे हम लोग क्या कर देंगे, इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब वो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, जब मैं इसके साथ इसका एलसीएम लूँगी तो यहाँ पर वो जो एलसीएम है वो आप ले लीजिए। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देती हूँ कि यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास टू वी कॉज ऑफ वी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास वी साइन ऑफ वी माइनस ये हो जाएगा कॉज ऑफ वी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैंने इसका आंसर लिख दिया है। अब हमारे पास जो स्टेप बचता है वो किस चीज़ का बचता है, सेपरेट वेरिएबल्स का स्टेप बचता है। तो चलिए सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। यहाँ पर जो है प्लस माइनस इस पर काफ़ी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी है ज़्यादा प्लस माइनस आता है तो हमारे पास क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है और उस वजह से सारा का सारा जो काम है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास प्लस कौन सा है और माइनस में कौन सा आ रहा है। ये हो जाएगा v साइन ऑफ v माइनस ये हो जाएगा कॉज ऑफ v, ठीक है। अब सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। सो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स बाई एक्स, ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा v साइन ऑफ v माइनस कॉज ऑफ v डिवाइडेड बाई टू v कॉज ऑफ v डी v इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन भी हमने जो है वो बोथ साइड्स ले ली है ना, हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करना भी जो है एक आर्ट है। अब हम लोग देखेंगे ना कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, टू वी आ रहा है और ऊपर हमारे पास जो है साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टू को जो है वो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। या तो टू को आप बाहर निकाल लें, तो टू को आप यहाँ पर भेज दे बाहर निकाल के, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, अभी भेजे बाद में भेजे, भेजना तो भेजना ही है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, हो जाएगा वी साइन ऑफ वी डिवाइडेड बाई वी कॉज ऑफ वी माइनस ये हो जाएगा कॉज ऑफ वी डिवाइडेड बाई वी कॉज ऑफ वी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हम लोगों ने अलग अलग जो है इसको डिवाइड कर दिया, उस पर इंटीग्रेशन भी जो है हमने अलग अलग अप्लाई कर ली है, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और साथ में हमारे पास जो है कांस्टेंट बी जो है यहीं पे आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ सी, बिकॉज ये सारी वैल्यूज भी लॉग में आएंगी। अब देखिए ये नीचे फंक्शन है कॉस, ऊपर उसका डेरिवेटिव है साइन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं लॉग हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं बल्कि इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास सीकन बनता है, ठीक है। सो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन वी माइनस, अब यहाँ पर अगर हम देखें सो कॉस कॉस करके वन बाई वी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वी लिख सकते हैं, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे एक्स ऑफ सी। अब वन बाई टू जो मैंने यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है तो इसको यहाँ पर भेज दूँगी, तो टू हो जाएगा, पावर टू में चला जाएगा, तो यहाँ पर भी इसको मैं हटा देती हूँ बस डायरेक्ट। ये वाले स्टेप जो है हम लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम लोग अपने जो है सोल्यूशन की बात करें तो वो कैसे होगा, हमें पता है कि जो सी है वो हमारे पास क्या रहता है, जो टू है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो बस सी हमारे पास सी ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें माइनस है तो माइनस क्या होता है हमारे पास लॉग में, वो हमारे पास होता आ जाता है सीकन वी, सीकन वी डिवाइडेड बाई वी, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर सी। अब जो लॉग लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, सीकन वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा सी।
ये भी जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा बिकॉज ये डिवीजन में है और हम लोग डिवीजन में कुछ भी नहीं छोड़ते, तो ये हो जाएगा वी लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर सी। वी की जो वैल्यू है, वी की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी कर वाई बाई एक्स और ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा सी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लॉग तो खैर ख़त्म हो गया था, सो लॉग को हम लोग भी यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, वो दोनों कट गए थे, तो वी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी सी और ये हमारे पास कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई सी, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन वाई बाई एक्स एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है और इसी को हम लोग अपना जो है वो जनरल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।